आज महाराष्ट्र में जो मुंबई में कंगना रनावत के ऑफिस में जो तरीके से मुंबई बीएमसी ने जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि कोरोना के पीरियड में कोई इतनी अर्जेंसी नहीं थी कि किसी के ऑफिस पे जाकर इमीडिएट कार्रवाई करना। उसके बहुत सारे नियम हैं कि 15 दिन पहले उनको नोटिस देना, नोटिस के बाद उसका नोटिस का उत्तर उनके तरफ से आना, उसके ऊपर सुनवाई होना और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है कि अगर उन्होंने बराबर उत्तर नहीं दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार बीएमसी का, मुंबई कॉरपोरेशन का है। पर यह राजकारण है और मुंबई का राजकारण बहुत, महाराष्ट्र का राजकारण एक बहुत अलग तरीके से चल रहा है। जो संजय राउत जी हैं, जो इस देश के सबसे पवित्र स्थान लोकतंत्र का मंदिर जिसको हम कहते हैं वो है राज्यसभा और लोकसभा, उस पवित्र स्थान के राज्यसभा के मेंबर संजय राउत जी ने जिस तरीके से एक महिला के बारे में, वो राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद मीडिया में आकर एक महिला को अपने शब्दों में अपमानित करना, ये कौन से संस्कृति है जो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति को सिखाती है? और उन शब्दों के ऊपर जब एक महिला जवाब देती है तो ऐसे नहीं पर ऐसे जरूर कार्रवाई कर सकते हैं। उसी तरीके से संजय राउत जी ने जो कार्रवाई उनके पक्ष ने, जो शिवसेना की कॉरपोरेशन है मुंबई में, उनको दबाव देकर इमीडिएट उनके ऑफिस पे हल्ला करके तोड़ने का काम जो किया है, मुझे लगता है अगर संजय राउत जी ने और शिवसेना ने अगर महाराष्ट्र में काम करना है तो हमारे मुख्यमंत्री साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये कोरोना के पीरियड में मुख्यमंत्री साहब ने हमारे पूरे महाराष्ट्र में गोंदिया भंडारे में जहां पर बाढ़ आई, उस बाढ़ की जगह पर जाकर किसानों की परिस्थिति देखी नहीं, बेरोजगारों की परिस्थिति देखी नहीं, गरीबों को कैसे मदद करनी है वो परिस्थिति देखी नहीं, महाराष्ट्र के एक भी जिले में जाकर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने